इंडियन प्रीमियर लीग अपने 10वें संस्करण में पहुंच चुका है और इस बात को लेकर फैंस भी खासे उत्साहित हैं, लेकिन इस साल का आईपीएल पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के बिना ही होगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल 10 में कोई भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स कमेंट्री करता हुआ नहीं दिखेगा। पाकिस्तानी कमेंटेटर रमीज राजा, शोएब अख्तर और वकार यूनिस आईपीएल कमेंट्री पैनल से बाहर हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो इन सभी कमेंटेटर्स ने खुद ही आईपीएल के लिए इंडिया आने से मना कर दिया है। इन सभी में से रमीज राजा सबसे अनुभवी कमेंटेटर्स हैं। उन्होंने आईपीएल में पूरे 9 साल कमेंट्री की है। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स का आईपीएल में कमेंट्री ना करने के पीछे सबसे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन को बताया जा रहा है। जाहिर है ये सभी पूर्व खिलाड़ियों को भारत से काफ़ी प्यार मिला है और इनके बाहर होने से फैंस निराश जरूर होंगे। इससे पहले भी वसीम अकरम ने अपने वया शेड्यूल का हवाला देते हुए केकेआर की बॉलिंग कोचिंग से आईपीएल 10 में दूरी बना ली थी। इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स से फैंस के लिए एक और बुरी खबर आई है। भारत के मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का कारण बताते हुए आईपीएल 2017 में कमेंट्री करने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और नवजोत सिंह सिद्धू के आईपीएल 2017 से बाहर हो जाने के कारण पूर्व कमेंटेटर्स हर्षा भोगले और अरुण लाल के लिए कमेंट्री बॉक्स के दरवाजे फिर से खुलते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के आईपीएल से बाहर हो जाने के कारण क्या आप निराश हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।